वेलकम टू द फिफ्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे डोर्स और विंडोज के बारे में, कितने डिफरेंट टाइप्स की डोर्स होती हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स की विंडोज होती हैं, राइट। तो स्टार्टिंग विद द डोर्स, बेसिक व्हाट इज डोर। डोर हम सबको पता है कि डोर क्या होता है। डोर एक वॉल में ओपनिंग्स होती है, वो किसके लिए यूज किया जाता है कि दो स्पेस के बीच में स्विच करने के लिए। अगर आप किचन में है तो बेडरूम में जाना होगा तो आप डोर्स का यूज करेंगे। आप किचन लिविंग में है, आपको बाहर जाना है तो आप फिर डोर्स का यूज करेंगे। तो डोर का एक ये पर्पस हो गया कि आपको स्पेस स्विच करने में इजीली होगा। और डोर एक काइंड ऑफ प्राइवेसी भी हमें प्रोवाइड करता है। वॉल में ओपनिंग है लेकिन ओपनिंग के साथ साथ हमें कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही है, राइट। तो उसमें टेम्परेरी उस ओपनिंग को शट डाउन भी कर सकते हैं हम डोर लगा के, राइट। तो डोर में हमने लॉक लगा दिया तो हमें प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई। तो डोर का ये सारा फीचर रहता है तो हम डोर को यूज करते हैं। और जो डोर्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप के हम डोर्स यूज करते हैं। तो हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के हम डोर यूज करते हैं। तो मेनली दो टाइप के डोर्स रहेंगे हमारे पास, इंटीरियर डोर्स एंड द एक्सटीरियर डोर्स। इंटीरियर डोर्स में क्या है कि जो भी हम घर के अंदर जो इंटीरियर में हम यूज करते हैं वहाँ पे इंटीरियर डोर्स का यूज करेंगे ऑब्वियसली। और जो इंटीरियर डोर्स रहते हैं वो काइंड ऑफ एज कम्पेयर टू एक्सटीरियर डोर्स वो थोड़े से थिनर रहते हैं, जिनके पैनल्स हैं वो थिनर पैनल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीरियर डोर्स में, राइट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग विद अ फ्लश डोर। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डोर इज फ्लश डोर इन इंटीरियर डोर्स। तो फ्लश डोर क्या होता है, आप जिस भी रूम में बैठे हैं आप उस रूम के आसपास देख सकते हैं तो आपको एक डोर जरूर देखने को मिलेगा। और डोर में जब आपको देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा डोर का जो कम्प्लीट पैनल है वो एक सिंगल पैनल है, राइट। तो इस सिंगल कम्प्लीट पैनल को हम कहते हैं फ्लश डोर। इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, कोई इसमें कोई कटिंग्स नहीं है, तो सिंगल पैनल ऑफ डोर इज फ्लश डोर, राइट। इसमें कोई जॉइंट्स नहीं हो सकते। अब डोर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है कि डोर का नॉर्मल स्टैंडर्ड विड्थ कितना होता है, कितनी एक ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर बात करें डोर्स की, इंटीरियर डोर्स की, स्पेशली फॉर बेडरूम्स, तो बेडरूम्स के लिए 1 मीटर का जो डोर है उसकी विड्थ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, 1 मीटर इन मीटर। और अगर हम फीट में बात करें तो 3 फीट का एक मिनिमम हमें डोर की विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो डोर की हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 6.5 फीट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। डोर की हाइट मिनिमम है 6.5, हम इन जनरल वी शुड प्रोवाइड 7 फीट ऑफ डोर हाइट, राइट। 7 फीट का हमें डोर हाइट प्रोवाइड करना चाहिए। 7 फीट के साथ हमें 1 फीट का ऊपर वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम बन जाएगा वो 8 फीट का बन जाएगा इसके ऊपर, लाइक यहां से यहां तक 8 फीट का पूरा सिस्टम यहां पे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैनल डोर। पैनल डोर क्या होता है कि एक कोई भी डोर में एक एक्सटीरियर फ्रेम हम लगा सकते हैं। एक्सटीरियर फ्रेम के अंदर हम पैनल्स का यूज करें तो पैनल्स किसका यूज होता है, ग्लास पैनल्स का यूज कर सकते हैं, हम प्लाईवुड पैनल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का डेकोरेशन चाहिए अपने डोर्स में, तो हम वो डेकोरेशन के अकॉर्डिंगली पैनल लगाएंगे, राइट। तो जनरली हमें दोनों ही टाइप के डोर्स देखने को मिलते हैं, पैनल भी देखने को मिलता है जिसमें हम ग्लास भी देख सकते हैं और हम प्लाईवुड का भी देख सकते हैं। तो ये इस टाइप के कुछ डोर्स रहते हैं पैनल डोर्स में। तो बाहर का एक फ्रेम हमें देखने को मिलेगा और बीच में हम अंदर को पैनल्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये वाले सारे पैनल्स हैं। तो ये प्लाईवुड का पैनल है, दिस इज प्लाईवुड, दिस इज ग्लास, ओके। तो ये हम दोनों ही यूज करते हैं। सेकेंड इज अ बाईफोल्ड डोर। बाईफोल्ड डोर जो एक मल्टीपल फोल्ड जिसे हम कहते हैं, तो यह मल्टीपली मल्टीपल फोल्ड हो सकता है इस टाइप से डोर, तो दिस इज बाईफोल्ड डोर। तो अपने हम बहुत जगह देखते हैं कि इस टाइप के जो डोर्स रहते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स हमें फोल्ड की जरूरत है, क्योंकि जब डोर की जो विड्थ है वो ज़्यादा है तो जब उसको क्लोज या ओपन करने में हमें दिक्कत आएगी तो इसलिए मल्टीपल उसको फोल्ड कर देते हैं, दिस इज अ बाईफोल्ड डोर। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग डोर्स। ऑब्वियसली वी ऑल नो स्लाइडिंग डोर, मतलब जिसको स्लाइड करके ओपन या क्लोज किया जा सकता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग डोर। ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड करते हैं, राइट। दिस इज अ स्लाइडिंग डोर। हम इसको वार्डरोब में लगा सकते हैं, अपने स्क्रीन डोर जिसे हम कहते हैं उसे लगा सकते हैं, और मेनली हम इसके बेडरूम के ओपनिंग में भी एंट्रेंस में भी इसको लगा सकते हैं, दिस इज स्लाइडिंग डोर। तो नेक्स्ट वन इज पॉकेट डोर। पॉकेट डोर भी एक काइंड ऑफ स्लाइडिंग डोर ही है, लेकिन इसमें जो स्लाइड करके बाद जो पैनल्स है वो एक पॉकेट के अंदर हाइड कर जाता है। तो पॉकेट्स में हाइड कर गया,
तो ऐसे टाइप के डोर्स आपने देखे होंगे लिफ्ट्स वगैरह में, जो एलिवेटर्स रहते हैं, तो वहां पर ये हमें देखने को मिलता है पॉकेट डोर। इसके अंदर एक पॉकेट रहती है बस। डबल एक्शन डोर मतलब एक काइंड ऑफ स्विंग डोर्स हैं, मतलब स्विंग डोर जो भी नॉर्मल इस टाइप के एक्शन में जो खुलते हैं, स्विंग एक्शन में, दिस इज स्विंग डोर्स। और डबल एक्शन डोर मतलब कि दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, तो दिस इज डबल एक्शन डोर। तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे ये? हमें देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया जहाँ पर होता है, होटल्स के किचन्स में हमें देखने को मिलेंगे, तो दिस इज अ डबल एक्शन डोर्स, क्योंकि पब्लिक दोनों तरफ से आ रही होती है उस टाइम पे, तो यहाँ पर हमें डबल एक्शन डोर प्रोवाइड करना चाहिए। अकॉर्डियन डोर्स, अकॉर्डियन डोर को हम ज़्यादातर यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज ओपनिंग्स होती है, और स्लाइडिंग डोर्स को हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे पे हमें अकॉर्डियन डोर प्रोवाइड करना चाहिए। और ये क्या करता है, बेसिकली एक बहुत बड़ी स्पेस को बीच में से डिवाइड कर सकता है। और ऐसी स्पेस क्या हो सकती है? ऐसी स्पेस हो सकती है ऑडिटोरियम या हॉल्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसिस हॉल्स हो सकते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल को हमें दो में डिवाइड करना है, तो बीच में अकॉर्डियन डोर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये साउंड प्रूफिंग डोर भी होते हैं। नेक्स्ट इज डच डोर। डच डोर क्या है? सिंगल पैनल को दो बार में ओपन हो रहे हैं, दिस इज यहाँ पे हमें डिवाइड होता है ये डोर, तो ये हम दो बार में खोल सकते हैं इसे, दिस इज डच डोर। हम देख पा रहे हैं कि ये दो पैनल्स हो जाते हैं इस डोर के, दिस डच डोर। डच डोर टॉम एंड जेरी में आपने कई बार देखा होगा ये टाइप के डोर्स, डच डोर्स। नेक्स्ट इज फ्रेंच डोर। बाद में इन सब के बाद जितने भी टाइप के डोर बच जाते हैं, तो फैंसी डोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेंच डोर्स। और यहाँ पे मिक्स मैच सारा चलता है, तो जितने भी हम एस्थेटिक लुक्स के लिए जितने भी हम मटेरियल्स ऐड करते हैं, तो ये सब काइंड ऑफ फ्रेंच डोर हो जाते हैं, तो फैंसी डोर जितने भी होते हैं उसको फ्रेंच डोर में ही इंक्लूड करते तो ये तो सारे हैं इंटीरियर डोर्स। अब क्या है एक्सटीरियर डोर्स? एक्सटीरियर डोर्स की एक मेन खास बात ये है कि ये आउटर में लगते हैं, और ये स्टील के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हाँ किस टाइप का एक्सटीरियर है, राइट। और ये इंटीरियर डोर्स के अगर कंपेरिजन में बात करें तो ज्यादा थिक होते हैं, तो दिस इज थिकर देन इंटीरियर डोर्स। ओके, तो पैनल डोर सेम जैसे इंटीरियर डोर में हमने प्रोवाइड किया था, वैसे ही एक्सटीरियर डोर में भी हम पैनल डोर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पैनल है वो ज्यादा थिक होगा, तो दिस इज अ पैनल डोर। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग एंड स्विंगिंग ग्लास डोर। स्लाइड डोर्स एंड स्विंगिंग डोर। स्विंगिंग डोर जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, जो एक स्विंग एक्शन में जहाँ पे हम डोर्स जो रहते हैं नॉर्मल हमारे बेडरूम में जो रहते हैं वो स्विंगिंग डोर्स रहते हैं, तो हम स्लाइडिंग और स्विंगिंग डोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सटीरियर में, नथिंग न्यू, बस उसका मैंने आपको बताया पैनल्स की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। गैराज डोर्स, तो गैरेज के जो जितने भी डोर्स रहते हैं वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, उसको रोलिंग शटर भी कर सकते हैं। ये वाला जो टाइप है ये रोलिंग शटर है, क्योंकि ये शटर है, रोल अप हो जाता है, और उसके बाद नॉर्मल स्विंग डोर भी हो सकते हैं और स्लाइडिंग डोर भी हो सकता है, तो ये मिक्स मैच है गैराज डोर में। लेकिन गैराज डोर में एक नोटेबल चीज़ ही रहती है, क्योंकि उसके अंदर हम एक एक्सपेंसिव चीज़ जो कि हमारी कार्स है उसको स्टोर कर रहे हैं, तो जो पैनल्स की थिकनेस है ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाती है, तो थिक पैनल्स को यहाँ पे यूज करते हैं, और जनरली हम स्टील डोर का ही यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी डोर्स के बारे में। मूविंग ऑन टू विंडो। राइट, अब विंडो क्या है? व्हाट इज विंडो? विंडो भी एक काइंड ऑफ ओपनिंग है वॉल्स में जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं हम क्यों विंडो प्रोवाइड करते हैं। पहला रीजन तो ऑब्वियस ये है कि हमें लाइट आनी चाहिए, तो विंडो क्या है, ओपनिंग प्रोवाइड करके हमें एक रूम में नेचुरल लाइट प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्रॉस वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेशन के लिए भी विंडो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वेंटिलेशन हमें विंडो प्रोवाइड करती है। तो ये सारी एक ये दो मेन चीज़ें जिसकी वजह से हम विंडो को प्रोवाइड करते हैं। अब कितने टाइप की विंडोज होती है, तो ये भी दो तीन टाइप की विंडोज हैं जो हमको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइडिंग विंडोज, मेनली जो विंडोज के जो पैनल है वो स्लाइड कर जा रहे हैं, तो दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्विंगिंग विंडोज। स्विंगिंग विंडोज में दो तीन तरह की विंडोज हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज केसमेंट विंडो। तो नॉर्मल हमारे नॉर्मल हाउसेज में, मैक्सिमम हाउसेज में जो रहता है इंडिया के, वो केसमेंट विंडो देखने को मिलेगा। तो केसमेंट विंडो क्या होता है, एक टाइप से बाहर की तरफ जो जैसे डोर खुल जाते हैं बाहर की तरफ पैनल, वैसे केसमेंट विंडो भी ये स्विंग कर जाती है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जो स्विंगिंग विंडोज जो रहती हैं दिस इज केसमेंट विंडो। लेकिन जिसमें हिंजेस जो लगे रहते हैं वो वर्टिकल साइड में हिंज हमें देखने को मिलेंगे हमेशा केसमेंट विंडो में, ये ध्यान रखने वाली बात है, वर्टिकल साइड में हमें हिंज देखने को मिलेंगे, तो दिस इज केसमेंट विंडो। द नेक्स्ट इज अविंग विंडो। अविंग विंडो में ये भी एक टाइप की स्विंगिंग विंडो है, लेकिन जो हिंज रहते हैं वो अपर पोर्शन में हमें देखने को मिलेंगे, दिस इज अपर पोर्शन में हमें हिंज देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट वन इज हुपर विंडो। हुपर विंडो जस्ट इसका रिवर्स है अविंग विंडो का, तो यहाँ पे जो हिंज है वो नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये वेंटिलेटर्स में इस विंडो को यूज करते हैं, दिस इज हुपर विंडो। ज्वेलसी विंडो, इसमें हम लूवर्स का यूज करते हैं, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स जो रहते हैं इसका हम यूज कर सकते हैं, इसे ग्लास स्लैट्स का यूज कर सकते हैं या फिर पीवीसी पैनल्स के हम लूवर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब लूवर्स यूज होता है तो दिस इज ज्वेलसी विंडो। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड विंडो, मतलब पैनल फिक्स्ड है, उसको आप ओपन नहीं कर सकते, तो ये लाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसे खोल नहीं सकते। तो इसे एयर, हमें जहाँ पर एयर नहीं चाहिए सिर्फ लाइट चाहिए, तो वहाँ पे फिक्स विंडो का यूज करते हैं, तो फिक्स विंडो है ये। इसके बाद स्काईलाइट और क्लियर स्टोरी विंडोज। स्काईलाइट बेसिकली क्या होता है, जो रूफ में हम प्रोवाइड करते हैं, तो जितने भी टाइप की ओपनिंग्स या विंडो हम रूफ में प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्काईलाइट्स। जनरली ये फ्लैट रूफ नहीं, यहाँ पे हम स्लोप रूफिंग में ये स्काईलाइट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज स्काईलाइट्स, राइट। नेक्स्ट द क्लियर स्टोरी विंडो। क्लियर स्टोरी विंडो क्या होता है कि जितने भी रूम है, रूम और सीलिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस, तो टॉप मोस्ट पोर्शन पे ही हम इस क्लियर स्टोरी विंडो को प्रोवाइड करते हैं। इस इमेज में आपको आई होप ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि क्लियर स्टोरी विंडो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्लियर स्टोरी विंडो है। बेसमेंट में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हो सकती है क्लियर स्टोरी विंडो की वेंटिलेशन और लाइट के लिए। तो आई होप इस मॉड्यूल में आपको समझ में आएगा डोर्स एंड विंडोज के बारे में। मिलेंगे हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में। थैंक यू।